हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है और द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम आ गए हैं आज के इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है और आर्टिकल्स है उसको लेकर के। आज जो है न्यूज़ शॉर्ट न्यूज़ कम है लेकिन जो एडिटोरियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और शॉर्ट न्यूज़ में कुछ एक दो हैं, जैसे कि इंडोनेशिया में अभी वॉल्केनो एरप्ट हुआ है तो उसके बारे में है और ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे। बाकी जो आज एडिटोरियल है वो काफ़ी अच्छे हैं जिनको हम इन डिटेल चर्चा करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को हम अच्छे से देखेंगे। हेल्थ से रिलेटेड भी आपका एडिटोरियल है, फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात की गई है, चाइना और इंडिया के इम्पोर्ट के रिलेटेड एक डाटा आया हुआ है उसको भी हम देखेंगे कि क्या मेजर्स हैं और क्या डेवलपमेंट्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सबसे पहले हम अपनी हाईलाइट के थ्रू देखते हैं कि आज हमें किन दिशा में अपनी चर्चा को लेकर के जाना है और बहुत यूजफुल आज का सेशन हम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देख लेते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स में आज सबसे पहले क्या है, इंडिया और ईरान के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, किसको लेकर के, चाबहार को लेकर के। तो इंडिया ईरान साइंस 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। तो अब कभी किसी के दिमाग में आएगा कि चाबहार तो ऑलरेडी हमने साइन कर रखा है, इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के ऑलरेडी सिग्नेचर्स हुए हैं, फिर ये किस तरीके का सिग्नेचर है, तो देखेंगे उसको कि पिछले जो भी हुए हैं 2016 में इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के जो भी मेमोरेंडम साइन हुआ था उससे ये वाला जो मेमोरेंडम है वो किस तरीके से अलग है, तो देखेंगे सबसे पहले हमारी न्यूज़ को, उसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, बिहार भामाशाह सुशील कुमार मोदी पासेज अवे। तो बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले सुशील कुमार मोदी जी का देहांत हो गया है, इनको भामा शाह भी बोला जाता था। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है भामा शाह के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देख लेंगे कि भामा शाह कौन थे, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। बाकी ये जो है सुशील कुमार मोदी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा थे, वो बिहार की पॉलिटिक्स में भी और ओवरऑल बीजेपी के बहुत ही अच्छे एक नेता थे जिनका अभी देहांत हो गया है 72 ईयर्स की एज में और कैंसर से वो जूझ रहे थे, कैंसर की बीमारी की वजह से उनका डेथ हुआ है, तो न्यूज़ देख लेंगे थोड़ी। अगली न्यूज़ क्या है, यूएन लिंक्ड बॉडी डिफर्स एक्रेडिएशन ऑफ एनएचआरसी इंडिया फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो। तो अभी जो है इंडिया की एनएचआरसी है उसके रिगार्डिंग जो यूनाइटेड नेशंस की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मैंने एक बार ही पढ़ाया था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे एनएचआरसी होती है वैसे ही ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे गैनहेरी होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करते हैं उनको एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करती है। तो उन्होंने अभी इंडिया की जो एनएचआरसी है उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया है वहाँ की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, साथ के साथ में वहाँ पर जो एनएचआरसी है उसमें किस तरीके से सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है, इन सारे चीज़ों को लेकर के। तो क्या होता है पूरा मुद्दा वो तो थोड़ा देखेंगे, उसके बाद एनएचआरसी को हम फैक्चुअल डाटा के लिहाज से देख लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन राइट और ऑर्गेनाइजेशन है तो जो मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जानना भी ज़रूरी है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, एट 101 बिलियन डॉलर चाइना रिमेन द टॉप इम्पोर्ट पार्टनर फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इस बार फिर से चाइना ने टॉप रैंक स्कोर किया है, किसमें, इंडिया के टॉप इम्पोर्टर की कैटेगरी में, यानी कि इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से कर रहा है अभी भी डाटा वाइज देखा जाए तो चाइना के द्वारा कर रहा है, चाइना से कर रहा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है इसको देखेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टॉप 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं जहाँ से फिलहाल इंडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है, इसमें सेकेंड नंबर पे रशिया है। इट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना के साथ हमारी कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज चले, चाइना हमारे लिए एक मेन इम्पोर्ट डेस्टिनेशन सोर्स है। और अगर आप बात कर लीजिए रशिया के रिस्पेक्ट में, तो चाहे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कितने भी सैंक्शंस लगाए जाए रशिया के ऊपर में, चाहे यूएसए कितना भी दबाव डाले बाकी कंट्रीज़ के ऊपर कि रशिया के साथ व्यापार नहीं करना है, उसके बावजूद भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम इन सारे चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए जो हमारे लिए सही है उसको ध्यान में रखते हैं और इस बार हमने रशिया को अपना सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्ट सोर्स डेस्टिनेशन बनाया है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में देखेंगे साथ के साथ में, और बाकी जो दो कंट्रीज़ कौन हैं जिनको रिप्लेस करके चाइना और रशिया इस पोजिशन पर पहुँचे हैं उनको भी हम देख लेंगे, ठीक।
अगली हमारी हाईलाइट क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये स्मार्ट सिटी को लेकर के एक एडिटोरियल आया हुआ है, यहाँ पर बात की गई है, ओवरव्यू दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था इसके बारे में भी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कई बार स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया जाता है, कोई भी स्कीम भले वो पुरानी हो, किसी पहले 2-4 साल 10 साल पहले आई हो, लेकिन अगर अभी भी वो कंटिन्यू है और उसके दिशा में उसके उस स्कीम की दिशा में अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अगर, और वो कोई रिकॉर्ड बना रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे मैटर नहीं करता कि वो स्कीम कब आई थी, नई है या पुरानी है, अगर वो चर्चा में आ जाती है, मुद्दा उसका रहता है कुछ, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बैकग्राउंड में भी जाके आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब ये पॉलिसीज आई थी इंडिया में। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, साथ के साथ स्मार्ट सिटी मिशन को भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, इंडोनेशियाज माउंट एबू एरप्ट। सो अभी माउंट एबू जो है वो इंडोनेशिया में एक वोल्केनो है, वहाँ पर एरप्शन हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल से अगर अभी तक देखा जाए तो लगभग 21,000 बार इसमें एरप्शन हो चुका है। तो ये हाईएस्ट द मोस्ट एक्टिव जो वोल्केनो होता है वो है इंडोनेशिया का, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि जनरली पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आपसे इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगेन स्पेव ह्यूग एस टावर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको देखेंगे, उसके बाद अगली हाईलाइट क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन ऑन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो ये एक एडिटोरियल आया है डाटा के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया गया है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ने पिछले 50 सालों में क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, और किस तरीके से सुधार किया है बच्चों की हेल्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, साथ के साथ में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होती है उसको कम करने में, यानी कि अगर बच्चा है 1 लाख में जब जितने बच्चे की डेथ हो जाती है 1 से 5 साल की उम्र के होने होने तक, तो इस दर में कितनी कमी आई है वैक्सीनेशन की वजह से, इसके बारे में एडिटोरियल बात करता है। सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करता है, ये विश्व के सभी देशों के बारे में इसमें बात की गई है, तो हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा इसको अच्छे से। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, IMF वॉर्न मालदीव्स अगेंस्ट लूमिंग डेब्ट डिस्ट्रेस अमिक इंक्रीज टू लोन फ्रॉम चाइना। तो मालदीव जो है, सभी लोग जानते हैं कि मोइजू जो है जब से आए हैं सत्ता में वहाँ पे, तो वो प्रो चाइना बहुत ज़्यादा है, और चाइना की तरफ उनका झुकाव हो ज़्यादा होने की वजह से चाइना के ऊपर डेट डिपेंडेंसी मालदीव की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए जो है IMF जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसने क्या किया है, मालदीव को वॉर्न किया है कि अगर इन्होंने डेट को चाइना से लेना अगर कंट्रोल नहीं किया, तो इनकी भी कंडीशन श्रीलंका जैसी हो जाएगी, जहाँ पर खाने के लिए भी लोगों की किल्लत हो जाएगी। तो एक तरीके से वॉर्न किया गया है मोइजू को। साथ के साथ में इसमें यह भी चीज़ मेंशन है कि इंडिया के साथ रिलेशन चाहे अभी मालदीव के थोड़े ख़राब चल रहे हों, लेकिन इंडिया इसको हेल्प करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है, और अभी लगभग $50 बिलियन का हमने क्या किया है, $50 मिलियन का हमने चाइना को मालदीव को क्या किया है, डेट दिया है। तो इंडिया ने भी अपने तरफ से जितने भी हम मेजर्स ले सकते हैं अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ रखने के लिए, उतना हम ले रहे हैं, उतना हम कर रहे हैं। तो ये भी एक न्यूज़ है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और जनरली यहाँ पर क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि कई बच्चों को या फिर जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ऐसा लगेगा कि मालदीव को क्यों पैसा देगा इंडिया, क्योंकि उसके साथ तो संबंध इतने ख़राब चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ग्लोबल लेवल पर चाहे कुछ भी सिनेरियो हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो रही हों, लेकिन जहाँ भी स्कोप बनता है कि हमारा हमारे पड़ोसी देशों के साथ में संबंध ठीक हो सके, वहां पर हम क्या करते हैं, अपना लोन वगैरह देकर के हम उनको ठीक करने की, उन रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है हमारे, डिक्लाइनिंग पावर्टी रेशियो अ कंटिन्यूइंग ट्रेंड। तो ये एक एडिटोरियल आया है जिसमें पावर्टी के बारे में बात की गई है, और अभी लैंसेट की रिपोर्ट आई है जिसमें कि इंडियन पावर्टी के बारे में बात की गई है, तो उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल आया हुआ है, तो देखेंगे उसमें। साथ के साथ इस एडिटोरियल में डिफरेंट कमिटीज़ जो पहले आ चुकी हैं गरीबी के ऊपर, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी हो गई, रंगराजन कमेटी हो गई, लकड़वाला कमेटी हो गई, इन सब के बारे में दिया गया है कि क्या रेशियो है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट निकाल के लेकर आई है अपना डाटा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में देखें तो भारत में जो है गरीबी की दर वो कम हुई है, लेकिन ओवरऑल इस एडिटोरियल के माध्यम से बताया गया कि एक्चुअल में वाकई में जो गरीबी है वो कम हुई है, या फिर सिर्फ ये सिर्फ नंबर का खेल है और डाटा और मेथडोलॉजी का खेल है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि क्या ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से अभी जो है पॉवर्टी को बताया गया है कि वो कमी आ रही है, पहले किस तरीके से पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता था और अब किस तरीके से पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सारा एडिटोरियल में आपको बहुत ही एक अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी गरीबी के रिगार्डिंग, गरीबी के डाटा के रिगार्डिंग।
अगली न्यूज़ क्या है, इंडियाज़ पॉपुलेशन डाटा एंड टेल ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रिडिक्शन। तो ठीक है, यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है पॉपुलेशन को लेकर के। लैंसेट और IHMI करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट है बेसिकली, इनने मिल करके एक डाटा निकाला है और ये ऐसा प्रोजेक्शन है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इन्होंने बोला है कि बाय 21st सेंचुरी ये कम्प्लीट होते होते तक वो 1.09 मिलियन पे आकर के रुक जाएगी। यानी कि 2050 तक तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी और 1.09 बिलियन पे आ जाएगी। तो इसके लिए एक एडिटोरियल में बात की गई है, राइटर कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट जिस तरीके से तैयार की गई है इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है और इसमें जो डाटा है वो बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर हम इनके डाटा की तुलना यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्शन के थ्रू करें और यूनाइटेड नेशन ने भी इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में ऐसी चीज़ें बोली हैं, तो उन्होंने बोला है कि बाय 21st सेंचुरी वहाँ पर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.49 बिलियन रहने वाली है। इट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन की जो भी डाटा आई है उससे ये जो डाटा है बहुत ज़्यादा डिफर करता है, मतलब कि इनके जो डाटा कलेक्ट करने के मेथड हैं उसमें बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत सारी कमियां हैं। तो देखेंगे कि क्या पूरा मुद्दा है, एडिटोरियल के थ्रू बात की गई है। अगली न्यूज़ क्या है, बैंक्स अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स एट रिस्क। फिच जो है, फिच एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, रेटिंग एजेंसी है, जो कि इंडिया में बैंक की क्या स्थिति है उसके बारे में और लोन की क्या स्थिति है इसके बारे में टाइम टाइम पर रेटिंग देती है। तो उसने अभी बोला है कि इंडिया में जो बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अभी एक डेंजर जोन से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स जो हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा लोन देने लगे हैं और इसकी वजह से एक समय में जा करके इनको बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको हम देखेंगे। तो ये है हमारी हाईलाइट ओवरव्यू जिसके ऊपर हमको आज अपनी चर्चा शुरू करनी है। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया और ईरान के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर क्या बात है, इंडिया ईरान साइन 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। तो अभी 2016 में हमने, इंडिया ने और ईरान ने मिलकर के चाबहार पोर्ट को क्या किया था, बनाने के बाद में इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया था और उसमें बोला था कि क्या करना है कि चाबहार पोर्ट जो होगा वो इंडियन जो कंपनी है जिन्होंने उनको बनाने में हेल्प की है उनके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, ऐसी बात की गई थी। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग, लगभग 250 मिलियन डॉलर का हमने उस टाइम पर फंडिंग दी थी, इस वजह से हम क्या कर रहे थे वहाँ पर चाबहार पोर्ट को रेगुलेट करने का या फिर उसके नियंत्रण में लेने का काम कर रहे थे। लेकिन ये जो 2016 में जो मेमोरेंडम साइन हुआ था वो क्या था कि हर साल उसको एनुअली क्या करना पड़ता था, रिन्यू करवाना पड़ता था। ठीक है, साथ के साथ में एक हमेशा ये कंसर्न बना रहता था कि इस साल मिला तो अगले साल ईरान देगा या नहीं, क्योंकि चाइना के साथ में भी उसके हैं टाई अप हैं, तो क्या पता इंडियन जो जो रिलेशन है बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, ग्लोबल लेवल पे जो रिलेशन होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वो बहुत ही जल्दी टाइम टाइम पे क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। मतलब कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है, कभी दोस्त होते हैं कोई देश और फिर वो सडनली दुश्मन बन जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उठापटक एक तरीके से इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं उसमें होता है। तो इस वजह से एक डर हमेशा बना रहता था कि ईरान का ये जो चाबहार पोर्ट है वो कहीं चाइना के पास ना चला जाए। क्यों डर बना रहता था? क्योंकि ये जो चाबहार पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम बात करें कि अगर हमें अरेबियन सी के थ्रू जाते हुए रशिया के साथ में व्यापार करना है या फिर हमको पूरे यूरोप के साथ व्यापार करना है, तो चाबहार पोर्ट एक बहुत अच्छा हमारे लिए डेस्टिनेशन है और बहुत अच्छा विकल्प है। अगर मान लीजिए कि कल को बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में, आसपास के रीजन्स में अगर चाइना का दबदबा हो जाए और अगर केवल हमारे पास चाबहार पोर्ट ही है, तो हम डायरेक्ट रशिया के साथ में या फिर यूरोप के साथ में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए चाबहार पोर्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है और ये कंसर्न था कि हर साल रिन्यू कराना, मतलब कि कभी हो सकता है कि बाकी चीज़ें जो हमारे हाथ में ना रहें। इसलिए अब क्या किया गया है, एक तरीके से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करा लिया गया है बाय इंडिया। तो इंडिया और ईरान के बीच में अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसमें क्या है कि अब 10 साल के लिए जो है ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। तो ये IPGL जो है ये क्या करने वाली है, यहाँ पर सारे काम को देखने वाली है, मतलब कि सारा रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको देखने वाली है IPGL जो है, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। साथ के साथ में ईरान की PMO है, यानी कि पोर्ट एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिल करके वहाँ पर काम करने वाले हैं और वहाँ पर सारी व्यवस्था देखने वाले हैं। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा। अब ये 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसको ऐसा नहीं है कि 10 ईयर के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसको भी चाहे तो हम और रिन्यू करा सकते हैं अगले 10 सालों के लिए। मतलब कि अगर हम चाहें तो इसको रिन्यू करा करा के लगभग 50-100 साल तक भी चला सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल 10 साल के लिए सारी चीज़ें सुरक्षित हैं और इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट जो है अब काम करेगा। और इस बारी अगर आप देखेंगे कि जब COVID-19 का दौर था या फिर जब अलग अलग तरीके से सैंक्शंस लग गए थे रशिया के ऊपर में, तब चाबहार पोर्ट के थ्रू ही बहुत सारा जो है रशिया से सामान वगैरह इंडिया में आया। और अभी कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है कि रशिया से एक फूड और ग्रेन से भरी हुई ट्रेन जो है वो इंडिया में लाई गई है। ठीक है, तो इंडिया और रशिया दोनों के लिए चाबहार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और अब ईरान भी उस चीज़ को समझ रहा है। इस वजह से तीनों जो देश हैं वो मिल करके इस पर काम कर रहे हैं और फिलहाल इंडिया ने भी इस दिशा में अपना हाथ बढ़ा दिया है और ईरान के साथ 10 साल का जो पैक्ट है वो साइन कर लिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ चल रही है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, जहाँ पर मैप के थ्रू मैं बात कर रही थी कि ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पर ये मुंबई है, मुंबई पर जो कांडला पोर्ट है वहाँ पर से ये पूरा रास्ता गया हुआ है। कहाँ? यहाँ पर ये चाबहार पोर्ट है और फिर ये सीधा अफगानिस्तान वगैरह से होते हुए इधर ये कैस्पियन सी से साइड से होते हुए रशिया की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा जो एक तरीके से ट्रेड होगा, व्यापार होगा, वो इस पोर्ट के जरिए हमारा डायरेक्ट मुंबई से यानी कि इंडिया के साथ में कनेक्शन बिठाएगा बाकी सारे कंट्रीज़ का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का और रशिया का। इसलिए चाबहार पोर्ट का हमारे लिए महत्व बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे थ्रेट्स भी हमारे लिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ भी मिलेंगी, लेकिन फिर भी अगर हम 10 साल के लिए अपना पैक्ट साइन कर लेते हैं ईरान के साथ में तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये रहा चाबहार पोर्ट ईरान का, ये सीधा आपको कनेक्शन दे रहा है कहाँ पर, मुंबई का जो कांडला पोर्ट है उसका। और ये जब आगे बढ़ता है तो आपको सारी यूरोपियन कंट्री साथ के साथ में रशिया के साथ भी आपको एक तरीके की कनेक्टिविटी थ्रू चाबहार पोर्ट मिलती है। तो व्यापार के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो पैक्ट हमने साइन किया है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में जब आपसे ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर एनएचआरसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनएचआरसी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मानव के अधिकार की बात, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और जब से धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हुई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि एक मानव को, एक इंसान को अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो उसको मिलनी चाहिए और उसी को एक अधिकार बना करके अधिकार के रूप में दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली अधिकार क्या होता है, व्हाट इज राइट्स जब पूछा जाता है तो क्या होता है, आपको जो बेसिक नीड्स है जो आपकी एक लाइफ को अच्छे तरीके से स्मूथ चला सके, वो जो बेसिक नीड्स आपको प्रोवाइड हो, यही आपके एक तरीके से अधिकार हैं, अगर आप लोकल भाषा में समझे, सामान्य भाषा में समझे। तो इन सारी चीजों को इंश्योर करने का काम कौन करता है? एनएचआरसी करता है। एनएचआरसी जो है इंडियन के लेवल, इंडिया के लेवल पे भी है और वर्ल्ड वाइड भी अलग अलग कंट्रीज के क्या बनी हुई है, इस तरीके की ह्यूमन राइट कमीशंस बनी हुई है। और ओवरऑल इन सारी चीजों को रेगुलेट कौन करता है? तो ओवरऑल इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है गैनहरी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मुद्दों को देखता है। यह पूरे विश्व के ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मुद्दों को देखता है। जहाँ कहीं भी उसको ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में वॉर चल रही है, तो वहाँ पर भी ये हमेशा कंसर्न उठाते हैं कि जो इसराइल है वो गलत कर रहा है फ़िलिस्तीनियों के साथ में, या फिर फ़िलिस्तीन के जो हमास ग्रुप है वो गलत कर रहा है इसराइलियों के साथ में, इस तरीके के मुद्दे उठते रहते हैं। ठीक है, तो जो गैनहरी है अभी फ़िलहाल उन्होंने एनएचआरसी के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए हैं और 2016 के बाद से ये दूसरी बार हुआ है, 14-15-16 के बाद से ये दूसरी बार हुआ है जब इस तरीके के सैंक्शन लगाए गए हैं। कुछ मामलों में उनको रोक दिया गया है, जो इंडियन एनएचआरसी है उसको रोक दिया गया है 1-2 सालों के लिए, बेसिकली एक तरीके से कह लीजिए बैन कर दिया गया है। जिस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन होता है, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं अलग अलग, जब उनके ऊपर समझौता होता है, कोई मीटिंग होती है, तो वहाँ पर सारे सदस्यों को क्या होता है, राइट होता है वोट करने का, अपनी बात रखने का। तो अभी एनएचआरसी को इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा पीछे रखा गया है, होल्ड पर रखा गया है। और ये क्यों रखा गया है? क्योंकि इंडिया की जो एनएचआरसी है उसके ऊपर में ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल उठाए गए हैं बाय गैनहरी, और इन्होंने बोला है कि इंडिया में जो ट्रांसपेरेंसी है एनएचआरसी की टीम को लेकर के, उनकी सदस्यता और उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, वो बहुत क्लियर नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से इंडिया की एनएचआरसी काम भी नहीं कर रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनको उठाने चाहिए जो वो नहीं उठा रही है, साथ के साथ में पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में। इस वजह
से क्या हो रहा है, इनको अभी थोड़ा सा पीछे रखा गया है और हो सकता है कि अगले साल ये जो डिले होता है या फिर होल्ड होता है वो कुछ समय के लिए होता है। हर साल ये रिन्यू होता रहता है, हर साल इसके ऊपर भी एक स्टडी की जाती है कि अब क्या प्रोग्रेस हुई है, और जब ऐसा लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वापस से वो अपना जो स्टे है उसको ले लेते हैं वापस, तो फिर से वोटिंग राइट्स वगैरह सारी चीज़ें एनएचआरसी को मिल जाएंगी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन फिर हार एनएचआरसी को लेकर के सारा मुद्दा है ये, तो हम एनएचआरसी को देख लेते हैं कि क्यों ये मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्ट जो आया किस तरीके से था, तो एनएचआरसी जो है वो 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट बना था, उसके तहत एनएचआरसी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, पहले इसको ध्यान में रखिएगा कि ओरिजिन से हुआ है एनएचआरसी का। तो 1993 में जो एक्ट आया था ह्यूमन राइट का, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके तहत आया था, ठीक है। तो एनएचआरसी की स्थापना हुई। अब हम देख लेते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं, ठीक। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन क्यों किया जाता है, कोई भी आयोग क्यों बनाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, जो ह्यूमंस हैं उनके अधिकारों का संरक्षण कर सके, सुरक्षा कर सके, प्रचार वगैरह कर सके कि किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करना है, ये सारे काम। तो एनएचआरसी बेसिकली एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश में मानवाधिकार के कहीं पर भी कोई भी मुद्दे निकल के आते हैं तो वहाँ पर वो सो मोटो लेकर के उन सारी चीज़ों को पकड़ता है। साथ के साथ में कई बार लोग वहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर के पहुँचते हैं तो उनकी भी वो जाँच करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और सारे मुद्दों को क्या करता है फिर राष्ट्रपति को सौंप देता है, ठीक है। रिपोर्ट वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन से अभी जो भी पार्टी मांगती है उसको वो दे देता है, ठीक है। पार्टी कहने का मतलब है कि केंद्र जो रिपोर्ट मांगती है उसको वो एनएचआरसी दे देती है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सारा मुद्दा कहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि एनएचआरसी की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो उनके सदस्यों की नियुक्ति से रिलेटेड जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह है उसको लेकर के सवाल उठाया गया है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर चयन होता है पहले वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जी है एक चयन समिति बनाते हैं एनएचआरसी के लिए। एनएचआरसी जो है राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति बनाई जाती है और उस चयन समिति में जो भी सदस्य होते हैं वो नियुक्त करते हैं इनके अध्यक्ष को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपसे कि कौन होते हैं उस चयन समिति के अध्यक्ष लोग कौन होते हैं, तो यहाँ पर पांच मेंबर्स होते हैं। पांच मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो हैं आपके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। दूसरे कौन होते हैं, लीडर ऑफ जो आपके राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो, ठीक है। साथ के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, ठीक है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि जो भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उनके नेता जो होते हैं इस कमेटी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन रहता है, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो इसमें सदस्य के रूप में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इन मानवाधिकार जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। तो अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो इसमें मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी किसकी है, गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ पर पीएम भी एक पार्टी के, होम मिनिस्टर भी एक पार्टी के, लीडर ऑफ जो लोकसभा स्पीकर हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, जो पार्टी कर सत्ता में होती है जनरली उन्हीं के नेता होते हैं, ठीक है। साथ के साथ में राज्यसभा के उपसभापति और केंद्रीय गृह मंत्री तो है ही, मतलब कि केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि इस समिति में हैं दूसरी पार्टी के। मेजॉरिटी जो है इस कमेटी में कौन सी है, एक ही पार्टी के जनरली लोग होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाता है जो एक पार्टी का चुनिंदा व्यक्ति होता है। तो इस वजह से जो है एनएचआरसी की सदस्यता के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है। बहरहाल हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था कि कमेटी में कौन मेंबर्स थे और कमेटी का चयन कौन करता है, चयन समिति बनाता कौन है, तो राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। और ये भी मामला उठा है एनएचआरसी को लेकर के कि एनएचआरसी में अलग अलग तबके के अलग अलग समुदायों के लोग होने चाहिए थे, जैसे कि जो अध्यक्ष हैं उनके बाद और सदस्य जो उनमें होते हैं उसमें माइनॉरिटी को भी क्या एक तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले लोग होने चाहिए थे, महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करने वाले अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन इंडियन एनएचआरसी के ऊपर में ये सवाल उठाए गए हैं कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बाकी कम्युनिटीज़ का या फिर माइनॉरिटीज़ का या फिर महिलाओं का, वहाँ पर जो लोग हैं उस
कमेटी में, उस आयोग में, उनकी संख्या बहुत कम है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है अगर आप वुमेंस की बात करें, माइनॉरिटीज़ की बात करें। तो इस तरीके के भी जो क्वेश्चन मार्क है वो इंडियन NHRC के ऊपर लगाए गए हैं। अब देख लेते हैं कि इस NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सदस्यता कितने साल की होती है, ठीक है। तो NHRC के अध्यक्ष जो होते हैं वो 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानित सदस्य इसमें पहली बात तो होते हैं, मतलब कि टोटल कितने मेंबर्स की बॉडी होती है, एक अध्यक्ष होते हैं आपके, 7 के साथ में 5 पूर्णकालिक सदस्य, मतलब कहने का मतलब है कि उनका एक फिक्स टेन्योर होता है, 7 के साथ में 7 जो होते हैं वो मानित सदस्य होते हैं जो कि नाम रिकमेंड करके आते हैं, अलग अलग सेक्टर से होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ अगर कोई है, दिव्यांग व्यक्ति है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति होता है, महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति होता है, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो टोटल 7, 5, 12 + 1 यानी कि 13 लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं बेसिकली इस आयोग में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय जो रह चुका होता है ऐसे व्यक्तियों को ही अध्यक्ष बनाया जाता है, मतलब कि जो अध्यक्ष होगा NHRC का उसके पास में एक तरीके से क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, अगर वो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर वो जज रह चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को ही NHRC में अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है या फिर उनको उस पद पर बिठाया जाता है, ठीक है। और क्या होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, एक सदस्य जो होते हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर क्या होता है उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। तो अगर अध्यक्ष की बात आती है तो इसमें क्या होता है, जो अध्यक्ष है वो तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, उसके बाद और जो सदस्य क्या होते हैं उनके बाद के जो सदस्य होते हैं वो या तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है या फिर क्या हो सकता है उच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। बाकी 3 सदस्य और कौन होते हैं, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से एक्सपीरियंस रखते हैं। तो बाकी 3 सदस्य किस तरीके के होते हैं, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काफी काम कर चुके होते हैं। तो देख लीजिए 1 यहां पर एक अध्यक्ष हो गया, उसके बाद 3 + 2 जो है यहां से जो पूर्णकालिक सदस्य है उसमें 3 सदस्य ऐसे होंगे जो कि मानवाधिकार की अच्छी खासी समझ रखते हैं और 2 सदस्य ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के क्या हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब बाकी जो ये 7 नामित सदस्य होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, इसमें महिला भी होती है, जो 3 सदस्य होते हैं उसमें एक महिला का होना जरूरी है, और ये चीजें जो है वो बाद में अमेंड करके जोड़ी गई हैं। पहले जो था इनिशियली जब ये बना था तब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था, लेकिन बाद में चीजों को समझा गया और ये सोचा गया कि पूर्णकालिक सदस्यों में एटलीस्ट एक महिला तो होनी ही चाहिए, उसके बाद अमेंडमेंट किए गए, ठीक। इसमें ST SC अल्पसंख्यक लोग या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला, साथ के साथ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी आयुक्त तो होते हैं, यानी कि सदस्य होते हैं जो कि पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो इन 7 लोगों में आपके ST SC भी आ जाते हैं, ST SC को रिप्रेजेंट करने वाले, महिलाओं को यानी कि वुमेंस को रिप्रेजेंट करने वाले, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने वाले, साथ के साथ में बच्चों को और दिव्यांगजनों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने का किसी का भी कोई मोटिव नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, ठीक। अब देखते हैं अवधि कितनी होती है या फिर उनको किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है, जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है, तो 3 साल की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए एज अभी कितनी है 65 है, ठीक है, और वो क्या है 3 साल ही उसको रहना है, मतलब कि 68 की एज तक वो क्या हो जाएगा अपने पद को छोड़ देगा, यानी कि 65 हुआ 68 अगर उसकी एज हो गई, 3 साल उसने टेन्योर पूरा कर लिया, अपना पद छोड़ देगा। या फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मान लीजिए 68 का हो चुका है लेकिन अगले 2 सालों में वो 70 का हो जाएगा, तो भले उसका 1 साल का कार्यकाल बचा हो फिर भी उसको पद छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट सेट की गई है, 70 साल से अधिक का व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष नहीं हो सकता और 3 साल से ज़्यादा अवधि के लिए भी यहाँ पर अध्यक्ष नहीं रह सकता कोई भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपसे। और क्या होता है, हटाया किस तरीके से जाता है, तो राष्ट्रपति जी जो भाई व्यक्ति चयन करता है, चयन समिति के थ्रू जो अपॉइंट करता है उसी को हटाने का भी अधिकार है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है सदस्यों को। और कब हटाया जाता है, इसके लिए परिस्थिति है, अगर वो दिवालिया हो जाए या फिर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करे, मानसिक रूप से दुर्बल हो कोई व्यक्ति या फिर किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, तो इस तरीके के 3-4 कंडीशंस है जिसके बेस पर अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये जो था NHRC से रिलेटेड मुद्दा था,
और उसको इन डिटेल हमने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, ये है आपके चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप को लेकर के, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली बात करते हैं चाइना को बायकॉट करने की, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे, रिपोर्ट्स इंडाइसिस देखेंगे, तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है। इंडिया के ऊपर ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो चाइना के एहसानों तले क्यों दबी हुई है, क्योंकि वाकई में चाइना इतने बड़े लेवल पर प्रोड्यूसर है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का, कमोडिटीज़ का, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, और उनमें से एक इंडिया भी है। इंडिया ये बायकॉट नहीं कर सकता पूरी तरीके से, और ये डिनाई भी नहीं कर सकता कि बिना चाइना के उसका काम चल जाए, क्योंकि देखिए दो मेजर सेक्टर है हमारे इंडिया में जो कि जिसकी वजह से हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो है फार्मा सेक्टर, ठीक है, यानी कि दवाओं से रिलेटेड सेक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप देखेंगे, अगर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और सेवा क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट के मामले में, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भी बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, और हम फार्मा जो है, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ वगैरह है, उसका भी हम बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन दो मेजर सेक्टर्स पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा, और ये दोनों चीज़ों के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से मिलता है, चाइना से मिलता है। यानी कि अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे इतना इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न कौन है, चाइना के द्वारा जो हमारे पास सप्लाई आ रही है चीज़ों की, इसकी वजह से हम भी अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सिनारियो है। पढ़े लिखे लोग और जो नहीं जानते हैं राजनीति, या फिर न्यूज़ से जो अवेयर नहीं है, वो उनको बरगलाना, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है चाइना के मुद्दे पे, कि किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि अरे इंडिया ने तो चाइना को बायकॉट कर दिया है। जो व्यक्ति नहीं जानता है डाटा के बारे में, जो व्यक्ति नहीं जानता है कि वाकई में किस तरीके से इंटरनल ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि हाँ हाँ इस व्यक्ति ने, इस पार्टी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, डेली न्यूज़ से आप अपडेटेड हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर अभी भी बहुत है। तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि अभी जो इंपोर्टर्स का जो सबसे लिस्ट है, उसमें चाइना ने टॉप किया है। तो इंडिया के जो टॉप 4 इंपोर्टर सोर्स, एक कह लीजिए इंपोर्ट सोर्स डेस्टिनेशन जो है, जहाँ से इंडिया सबसे ज़्यादा आयात करता है, उसमें जो टॉप किसने किया है, नन अदर देन चाइना ने, यानी कि फर्स्ट पोजीशन चाइना की है, और चाइना से हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है, लगभग 101.74 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हमने चाइना से किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, रशिया। रशिया से भी हमने बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इस बार इंपोर्ट किया है। ये चीज़ भले देखने वाली ज़रूर है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट पहले जितना होता था, उससे लगभग 3.29% की गिरावट आई है। हमने चीज़ों को कम ज़रूर किया है। अगर आप बात कर लीजिए फार्मा सेक्टर्स में, तो हम जो API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स, जिसके जो एक रॉ मटेरियल जिसके थ्रू दवाइयाँ बनाई जाती है, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। साथ के साथ में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए जो भी IC चिप्स वगैरह लगती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हमने प्रीवियस जो भी 1-1.5 महीने न्यूज़ डिस्कस की थी, उसमें देखा था कि चाइना भी, इंडिया भी जो है 2026 तक क्या करने वाला है, सेमीकंडक्टर चिप को हमारे इंडिया में बनाने के लिए प्लांट वगैरह लगा रहा है टाटा कंपनी के साथ मिलकर के, है ना। तो हमने ये न्यूज़ कवर की थी कि 2026 तक इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम काम कर रहे हैं इस दिशा में, इसलिए हमने धीरे धीरे इंपोर्ट घटाना शुरू कर दिया है चाइना से। लगभग इस बार 3.29% की गिरावट आई है ऑन अ ईयर, आप देखेंगे पिछले साल की तुलना में, ठीक है। लेकिन अभी भी काफी बड़े लेवल पे चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं रशिया। रशिया के साथ इंपोर्ट में हमने बहुत बड़ा उछाल मारा है, लगभग 34% का इस बार क्या हुआ है, एक तरीके से राइज देखा गया है इंडिया और रशिया के इंपोर्ट के मामले में, ठीक है। मतलब कि हम अब तक अमूमन जितनी चीज़ें रशिया से इंपोर्ट करते थे, उसका लगभग 34% ज़्यादा हमने इस बार इंडिया जो रशिया से इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आपका रशिया आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका UAE और USA वगैरह है, ठीक है।
यूएई और यूएसए को ही रिप्लेस करके रशिया जो है वो दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। पहले चाइना के बाद में यूएसए और यूएई का नंबर आता था, लेकिन अब जो है वो टॉप फोर में टॉप टू जो है आपके इंडिया और चाइना हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, टॉप इम्पोर्टर और टॉप एक्सपोर्ट जो सोर्स डेस्टिनेशन है वो पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? तो आपको मालूम होना चाहिए क्या न्यूज़ थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ये स्मार्ट सिटी को लेकर के है पूरा ये जो मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बोला गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन होता क्या है। पहली बात तो यहाँ पर बात की गई है कि जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी उसने एक तरीके से एक मेज़र लिया, एक पॉलिसी बनाई स्मार्ट सिटीज़ को लेकर के। स्मार्ट सिटीज़ कहने का मतलब क्या है कि ऐसी सिटी होनी चाहिए जहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ एक जगह उपलब्ध हों बहुत ही लिमिटेड टाइम में, मतलब कि आपको हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल के लिए इधर उधर धक्के ना खाना पड़े, कोई भी बीमारी हो आपको अच्छा हेल्थ हॉस्पिटल जो है वो नियरेस्ट आपके मिल जाए, साथ के साथ में एजुकेशन के मामले में स्थिति काफ़ी अच्छी हो, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, कनेक्टिविटी आपके यहाँ पर बहुत अच्छी हो, ये सारी चीज़ों को जब हम एक तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, वो सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी बन जाती है जहाँ पर ये सारी मूल सुविधाएँ अवेलेबल होती हैं। तो उसी के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से जब से ये स्मार्ट सिटी मिशन आया है तब से किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बातें की नहीं गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से हम स्मार्ट सिटी को थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेंगे कि क्या है स्मार्ट सिटी मिशन, आया कब था। तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2015 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 2015 में इसको लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी। मतलब लॉन्च क्यों किया गया था, सबसे पहले मैंने तो बताया जिस तरीके से बेसिक जो नीड्स होती हैं, बुनियादी जो ढांचा होता है वो बनाने के लिए, और जब सबसे पहले ये लॉन्च किया गया था तो लगभग 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। तो 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाने का क्या लिया गया था, एक तरीके से टारगेट लिया गया था, और अलग अलग जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उन सभी स्टेट्स में से जो भी बड़े छोटे स्टेट्स हैं वहाँ से एक, किसी किसी से 4-5, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स से क्या किया गया था, सिटीज़ को चुना गया और फिर उनको स्मार्ट बनाने की तरफ काम किया गया, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात यह है कि क्या मुख्य उद्देश्य होता है स्मार्ट सिटी को लेकर के, तो यही होता है कि वहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास हो सके, टेक्नोलॉजी एक तरीके से इंटीग्रेटेड हो सके, जहाँ पर आपको रियल टाइम में आपको डाटा मिल सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपकी क्या चीज़ें हैं, आपकी समस्याएं क्या है, वो जनता तक पहुँच सके, जो केंद्र है या फिर जो राज्य है उसकी गवर्नमेंट तक पहुँच सके, और फिर वहाँ से किस तरीके से मेजर्स लिए जा रहे हैं वो जनता तक भी पहुँच सके, जनता भी अवेयर हो सके कि उनके लिए क्या प्रोग्रेस की जा रही है। साथ के साथ में एक स्थिरता होनी चाहिए, स्थिरता मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के ऊपर में, या फिर अगर कौशल विकास है तो इन सारी चीज़ों पर डाइसी ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, एक तरीके से वो स्थिति जो है वो पर्यावरण के मुद्दों को भी ठीक तरीके से हैंडल कर सके, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, साथ के साथ में वहाँ की जो यूथ है उसको कौशल भी मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पर ध्यान देने के लिए जो है ये पूरा मिशन लेकर के आया गया था। कब लॉन्च हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 2015 में, फिलहाल जो स्टार्टिंग में लगभग 100 सिटीज़ ऐसी थी जिनको इसके तहत शामिल किया गया था, और उनके ऊपर काम किया जा रहा है, और धीरे धीरे उनको एक स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ, डेवलप्ड सिटी बनाने की तरफ काम किया जा रहा है, ठीक है? तो ये थी न्यूज़ छोटी सी, उसको हमने रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो आपके जीएस पेपर वन में ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है? और ये बताता है किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया का जो माउंट इबू जो है इंडोनेशिया का, यहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ है, वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। तो ये माउंट इबू जो है इंडोनेशिया में आता है, इंडोनेशिया का एक पर्वत है, और वहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और क्यों इतना ज़्यादा हुआ है, पहली बात तो ये कि जो इंडोनेशिया है उसको कंट्री ऑफ वॉल्केनो बोला जाता है, मतलब ज्वालामुखी का शहर है, वहाँ पे हर साल बहुत सारे जो वॉल्केनो इरप्शंस के केसेस आते रहते हैं, क्योंकि वो जो है पैसिफिक जो ओशन होता है, पैसिफिक ओशन के जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है, ज्योग्राफी में आपने टर्म पढ़ा होगा कि पैसिफिक ओशन के पास में एक तरीके की रिंग बनी हुई है। रिंग क्या है, बेसिकली इसको एक तरीके से माना गया है कि ये रिंग है, काल्पनिक रिंग है, जहाँ पर ऐसे क्षेत्र ज़्यादा हैं जहाँ पर बार बार ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती रहती हैं। मतलब यहाँ की जो प्लेट्स हैं, जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं एक तरीके से, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती हैं पैसिफिक ओशन के पास में, इस वजह से यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप के और वॉल्केनो इरप्शन के केसेस आते हैं।
और इंडोनेशिया जो है इसी रिंग ऑफ फायर के पास में पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनो इरप्शन होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि माउंट इबू के बारे में पूछा जा सकता है आपसे वनडे एग्जाम में कि माउंट इबू कहाँ पर है, तो माउंट इबू जो है वो आपका इंडोनेशिया में पाया जाने वाला भाई इंडोनेशिया का एक पर्वत है, और यहाँ क्यों ये फेमस है, वोल्केनो इरप्शन के लिए फेमस है। और कितना ज़्यादा फेमस है इसके इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस माउंट इबू में पिछले 1-1.5 साल के अंदर अंदर लगभग 21,000 बार क्या हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुआ है। मतलब सोच लीजिए कि एक साल के अंदर अंदर लगभग 21,000 बार जो है वो वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ऐसा इसमें डाटा दिया गया है 21,000 टाइम्स लास्ट ईयर, ठीक है। और ये जो है जो माउंट इबू है वो उसको बोला जाता है मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, यानी कि इंडोनेशिया का जो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो और पैसिव वोल्केनो क्या होते हैं, सक्रिय और असक्रिय, कहने का मतलब है कि जो वोल्केनो जिसमें बार बार इरप्शन होता रहता है, बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, उसको एक्टिव वोल्केनो बोल देते हैं। और एक सुषुप्त अवस्था होती है जिसको क्या बोला जाता है, नॉन एक्टिव बोला जाता है, उसमें क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक उस ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट नहीं हुआ है, तो उसको नॉन एक्टिव बोल दिया जाता है या फिर वो सक्रिय नहीं है ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। जो इंडिया का बैरन आइलैंड है मान में, वो एकमात्र हमारे यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें भी बहुत टाइम से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वो जो इंडिया का, जो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बैरन आइलैंड जो अंडमान में पाया जाता है वो क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है, ठीक है। तो जो माउंट इबू है वो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है और बहुत बार इसमें होता रहता है इरप्शन, ध्यान में रखिएगा इंडोनेशिया का ये माउंट है। अगले चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल हमारा क्या है, ये वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहा है। जीएस पेपर 3 में आप हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं इसको, और हेल्थ सेक्टर में आपसे जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। इंडिया में भी बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा ऐसा मिशन चलाया गया है जिसके बारे में हम जानते हैं बहुत टाइम से, तो उसको एक बार रिविज़न कर लेंगे कि कौन सा ऐसा मिशन है, मिशन इंद्रधनुष की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके वजह से क्या इंडिया में प्रोग्रेस हुई है उसको देखेंगे। फिलहाल ये जो एडिटोरियल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो एडिटोरियल है वो बात कर रहा है वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन की वजह से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। डाटा के रूप में आपसे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि अगर आप पिछले 50 सालों में देखेंगे तो लास्ट 50 ईयर्स में लगभग 150 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी को सेव किया गया है थ्रू वैक्सीनेशन, यानी कि 150 मिलियन जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दे करके क्या किया गया है, उनके जीवन को सेव किया गया है। जीवन सेव करने का क्या मतलब है, पहले के ज़माने में जब वैक्सीनेशन नहीं था तो जब बहुत सारे बच्चे इसीलिए ही पैदा होते थे क्योंकि कई बच्चे उसमें से डेथ हो जाते थे, मतलब कि बहुत सारे बच्चों की जान नहीं बच पाती थी, इसलिए भी पेरेंट्स पहले के ज़माने में बच्चे ज़्यादा होते थे उनके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मर क्यों जाते थे, क्योंकि उनके लिए जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह की, हेल्थ ट्रीटमेंट की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जब भी बच्चा कोई पैदा होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंडर आप कह लीजिए वेट होते हैं, मतलब उनमें पोषण की कमी होती है, वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, पैदा होते ही किसी किसी को सांस से रिलेटेड, निमोनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना, फेफड़ों में संबंधित बीमारी हो जाती है बच्चों की। और जब इम्यूनाइजेशन वाली चीज़ें नहीं होती हैं या फिर जो वैक्सीन नहीं होता है, दवाएं नहीं होती हैं, तो फिर बच्चों का जीवन जो है वो बच पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस एडिटोरियल में बात की गई है कि अगर आप पिछले 50 साल की तुलना करेंगे तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होता है 1 लाख बच्चे पैदा होने पे जितने बच्चों की डेथ होती है उसको हमने क्या कर लिया है, काफ़ी हद तक कम कर लिया है। ये जो बात है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। इसमें बात की गई है आंकड़ों के थ्रू कि जब पहले हम देखते थे कि वैक्सीनेशन जब नहीं थी तब जब जितने बच्चे मरते थे उसकी तुलना में अब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है चेंज हो चुका है। साथ में बात की गई है कि अगर आप वैक्सीनेशन कवरेज की बात करेंगे तो पहले जो था वो मीज़ल वैक्सीनेशन जो था वो बहुत ही कम था। मीज़ल जो होती है एक तरीके की बुखार से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है जिसको खसरा ये बोलते हैं, तो ये इसके टीके वगैरह नहीं होने की वजह से जो रेशियो था वो बच्चों के बचने का वो बहुत कम था और वैक्सीनेशन बहुत कम अवेलेबल था। लेकिन अब आप देखेंगे तो लगभग 60% वैक्सीनेशन मिल पाती है मीज़ल से रिलेटेड बच्चों को, और इस बीमारी से बच्चों को बचा लिया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है।
अलग अलग चार्ट के माध्यम से बोला गया है कि अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखा गया है। सबसे ज़्यादा बात की गई है वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज़ की। वेस्ट पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं यानी कि पैसिफिक के जो पश्चिम साइड में जो भी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका इंडोनेशिया वगैरह वाले क्षेत्र आ जाते हैं, यहाँ पर बात की गई है कि इस कंट्रीज़ में इन एरियाज़ में सबसे अच्छा प्रोग्रेस देखा गया है अगर आप वैक्सीनेशन की बात करें। आंकड़ों के थ्रू बताया गया है कि कितना चेंज आया है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जैसे पहले डीटीपी का टीका होता था जो डिप्थीरिया और काली खांसी ये सारी जो बीमारी होती है उसके लिए आपको डीपीटी का या फिर डीटीपी का जो टीका लगता था वो अगर आप पहले की तुलना में देखेंगे तो अब लगभग 80% उसमें बढ़ोतरी देखी गई है बाय 2021। अगर आप 2002 से तुलना करके 2021 में देखेंगे तो लगभग 80% जो है वो डीटीपी के जो टीके हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी हुई है। मीजल वैक्सीनेशन की बात की हमने कि उसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। साथ के साथ में बोला गया है कि पहले जो टीके ये इस तरीके के मिलते थे वो 1974 में ऐसा था कि 5% से भी कम बच्चों को मिल पाते थे। मतलब 1974 और 2002 तक ऐसा था कि ये वैक्सीनेशन लगभग 5% 3 से 5% तक ही मिल पाती थी और अब वो कवरेज लगभग 80-90% चला गया है। कई कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि वैक्सीनेशन के थ्रू 90% तक हमने कवरेज प्राप्त कर ली है। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ पर 1980 में 10% का अगर आपको होता था वैक्सीनेशन की सुविधा मिलती थी तो अब 2021 में 90% जो है वहां पर वैक्सीनेशन की सुविधा मौजूद हो गई है। तो एक प्रोग्रेस जो है अच्छी खासी दिखाई गई है। इसमें यही बात की गई है अलग अलग चार्ट के माध्यम से। यहां पर आपको अलग अलग जो बीमारियां हैं उसके टीके कितने मात्रा में अवेलेबल हैं उसके बारे में बात की गई है। तो हमारे यहां पे सबसे ज्यादा टीका जो है वो मीजल के लिए लगता है, खसरे का टीका लगता है बच्चों को। लगभग 93.7 मिलियन का जो है टीका वो केवल और केवल मीजल के ये लगता है। उसके बाद टिटनेस का नंबर आता है, फिर पर्ट्यूसिस जो होता है आपका जो काली खांसी वगैरह होती है उसके रिलेटेड होता है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से बताया गया है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़े लेवल पे पहले जो चैलेंज था वो मीज़ल का था और इसको हम अब ने क्या कर लिया है, पार पा लिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी उसके ऊपर काम कर लिया है और इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग 80-90% पहुँच गया है। इस वजह से बच्चों की जान अब बचाई जा पा रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग आंकड़ों और चार्ट के माध्यम से, डाटा के माध्यम से बताया गया है। तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड वाइड क्या सिनेरियो है। अब हम देख लेते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया में जो है वो वैक्सीनेशन को लेकर के क्या प्रोग्रेस की गई है। तो हमारे यहाँ पे एक मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। कब चलाया गया था? दिसंबर 2014 में। तो दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था और इसका लक्ष्य क्या था कि 90% तक कवरेज प्राप्त करना है। मतलब 90% बच्चों को टीका हो सके, प्रोवाइड हो सके, इसके ऊपर हमको ध्यान देना है। तो मिशन इंद्रधनुष 2014 कवरेज कितना, 90% लाने का टारगेट। आपका जो हेल्थ वाला टॉपिक है एसडीजी में, एसडीजी कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा एसडीजी है जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। पुअर्टी और हंगर के बाद में हेल्थ एजुकेशन वाली चीज़ें आती हैं। अब आपको ये बताना है कि हेल्थ एसडीजी 3 में आता है या फिर एसडीजी 4 में आता है, ठीक है। तो ये जो एसडीजी है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके की मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाएँ लेकर के आए हैं सो दैट इंडिया में भी टीकाकरण को और ज़्यादा लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। और पहले क्या था कि जिन क्षेत्रों में बच्चों को पहुंचने में कठिनाई होती थी, पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते थे, अब उन क्षेत्रों में भी क्या कर दिया गया है, टीकाकरण की व्यवस्था, मतलब घर घर तक टीकाकरण पहुंचाने की मुहिम चल रही है। साथ के साथ में पहले जब पोलियो वगैरह के जो वैक्सीन वगैरह दी जाती थी या पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते थे वो इसलिए थे क्योंकि हमारे इंडिया में भी साथ के साथ में विश्व के लेवल पर भी पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आया था, जिसमें बच्चे क्या होते थे, कम उम्र में ही, बचपने में ही अगर उनको वो टीका नहीं मिल पाता था तो क्या हो जाते थे, वो विकलांग हो जाते थे, दिव्यांग हो जाते थे। तो इस वजह से पोलियो के टीके के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और फाइनली इंडिया ने 2014 में मिशन चला करके क्या किया था, इसको कम कर लिया था और हम पोलियो से क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। दूसरी बात है कि जो मैंने खसरा रुबेला के बारे में बताया, MR टीका बोलते हैं इसको, MR यानी कि मीज़ल यानी कि खसरा और रुबेला, इसके टीकाकरण का अभियान भी हमने शुरू किया था और
और इसका टारगेट क्या था कि 3 साल में कम से कम 3 करोड़ से अधिक बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा, ये टारगेट था। क्यों? क्योंकि हजारों बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा मीज़ल और रूबेला की वजह से हो रही थी। बेसिकली ये फीवर ही होता था जिसकी वजह से बच्चों की जान चली जाती थी, अब उस पर भी हमने कंट्रोल किया है। और ये इंडिया में ही समस्या नहीं थी, वर्ल्ड वाइड हमने देखा भी अभी कि 93 मिलियन जो टीके सबसे ज़्यादा किसके लिए लगते हैं, वो मीज़ल के लिए ही लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न था सभी के लिए। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया के रिस्पेक्ट में मिशन इंद्रधनुष 2014, इसको ध्यान रखिएगा, 90% कवरेज की बात की गई थी टीकाकरण को लेकर के। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, IMF वॉर्न मालदीव्स अगेंस्ट लूमिंग डेट डिस्ट्रेस एमिड इंक्रीज इन लोन फ्रॉम चाइना। तो कहने की बात नहीं है, मोइज़्ज़ू जब से आए हैं तब से उनके इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हैं और चाइना के साथ रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी अभियान है, जो भी चीज़ें शुरू की है, उनको उन्होंने चाइना को क्या कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। मतलब चाइना ही आकर के यहाँ पर उनके यहाँ काम करेगा। इनका मेन उद्देश्य क्या था जब ये अपने मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, जब भी ये लीडर बन के उभर रहे थे और अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे, तो इन्होंने बोली थी कुछ सारी चीज़ें, जैसे कि मालदीव का उनको विकास करना है, मालदीव को एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, मालदीव के जितने भी आइसलैंड हैं छोटे छोटे उन सभी को टूरिस्ट के लिए क्या कर देना है, डेवलप कर देना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म आ सके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ के साथ एयरपोर्ट बनाने की इन्होंने बात की थी, पोर्ट वगैरह बनाने की बात की थी, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। अब मैनिफेस्टो में शामिल तो कर दिया, जीत के भी आ गए, लेकिन पैसे की हो रही है इनको कमी, इस वजह से अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोन लेना पड़ रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, चाइना का। और इसीलिए IMF ने कंसर्न दिखाया है कि चाइना के, अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लीजिए, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ संबंध हैं उनके, उनको सभी को उन्होंने डेट दे करके, यानी कि ऋण जाल में फंसा करके क्या कर दिया, डेट ट्रैप में फंसा करके उनको अपना एक तरीके से गुलाम बना लिया है। तो इसीलिए IMF ने मालदीव को भी अभी वॉर्न किया है और एग्जाम्पल दिया है श्रीलंका का, कि देखो श्रीलंका ने भी इस तरह की गलती की थी, अभी उसकी क्या स्थिति हो गई है। श्रीलंका ने अपने कई पोर्ट्स, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसने इतना ज़्यादा लोन ले रखा था चाइना से कि वो उसको लौटा नहीं पा रहा था, तो श्रीलंका ने अपने कई पोर्ट्स जो है वो 100 सालों के लिए दे दिए हैं चाइना को, कि 100 सालों तक चाइना रन करेगा उनके पोर्ट्स को। तो इस तरह की कंडीशन मालदीव में ना आ जाए, इसके लिए IMF ने उनको वॉर्न किया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में भारत ने किस देश को $15 मिलियन का ऋण दिया है, या एक तरीके से ग्रांट दिया है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, वो कोई नहीं, नन अदर देन मालदीव ही है। अब कई बच्चे यहाँ पे गलत करके आ जाएंगे कि मालदीव के साथ तो रिलेशन हमारे ख़राब है, इन्होंने हमारे सैनिकों को कह दिया है कि भाई आप अपने सैनिक निकाल लीजिए, तो हम क्यों दे रहे हैं उनको पैसे, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ भी हो, है तो हमारा पड़ोसी, कल को अगर इसने अपने यहाँ पर चाइना को ला के बहुत ज़्यादा बिठा लिया तो चाइना हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर देगा। इस वजह से क्या है कि हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 50 मिलियन का, यानी कि $50 मिलियन का हमने क्या किया है, ऋण दिया है अभी मालदीव को। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, किसने दिया है, भारत ने दिया है, किसको दिया है, मालदीव को। तो ये है क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम्स में स्पेशली, और ये पूरी न्यूज़ जिसके बारे में IMF ने वॉर्न किया है। अब चलते हैं, यहाँ पर हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, और ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बात की गई है अलग अलग आपकी कमिटीज़, जो कि किसके बारे में आई थी, पॉवर्टी से रिलेटेड आई थी, गरीबी से रिलेटेड आई थी। ये पूरा टॉपिक GS पेपर 1 सोसाइटी वाला टॉपिक, समाज कैसा है हमारा, वहाँ पर गरीबी भी एक टॉपिक है और वहाँ पर आपको रिलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले मुद्दा उठा कहाँ से है, मुद्दा यहाँ से उठा है कि अभी जो HCES एक रिपोर्ट आई थी जो कि NSSO ने जारी की थी, NSSO जो है यानी कि सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ का, उसने एक रिपोर्ट लाई थी जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसको लेकर के। रिपोर्ट का नाम क्या था, HCES, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे आया था, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, यानी कि एक घर जो है, एक परिवार जो है वो अपने कंजप्शन में यानी कि उपभोग पर कितना खर्च कर रहा है, इससे रिलेटेड एक सर्वे आया था और इसके थ्रू बात की गई थी कि इंडिया में जो है इनइक्वालिटी ख़त्म हो रही है, गरीबी जो है वो थोड़ी सी
कम हो रही है, इसके बारे में बात की गई थी। तो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द पूरा ये जो है डाटा, ये एडिटोरियल घूमता है। लिखा किसने है? सी रंगराजन ने और सी महेंद्र देव ने। इन्होंने लिखा है, बोला है कि ठीक है, ये जो सिनारियो आपको दिख रहा है बहुत अच्छा अच्छा सा दिख रहा है कि इंडिया में गरीबी कम हो रही है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में सही है? क्या ये डाटा बिल्कुल सही तरीके से लिया गया डाटा है? और क्या इसमें ऐसी लूप होल है, क्या ऐसी गड़बड़ी हो गई है या फिर कमी है जिसकी वजह से सिनेरियो कुछ और दिख रहा है और डाटा कुछ और बता रहा है? मतलब अगर आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई जा रहा है, अभी भी हम बात करें कि अमीरी गरीबी का रेशियो वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, और यहाँ पर डाटा क्या बात करता है कि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, उसको रिलेटेड बात की गई है। साथ में यहाँ पर इस एडिटोरियल में क्वेश्चन उठाया गया है मेथडोलॉजी पे, जो कि गरीबी को आप एक तरीके से रेट करती है, पता लगाती है, वो मेथड्स क्या क्या हैं। एक हमारे यहाँ मेथड है यूआरपी का, दूसरा है एमआरपी का। अभी मैं सारी चीज़ों को बताते चलूँगी यहाँ पर, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हमारे यहाँ गरीबी को रेट करने के तीन मॉडल चलते हैं। सबसे पहले जो था, सबसे पुराना मॉडल यूआरपी है, उसके बाद में आया एमआरपी, और अब चलता है एमएमआरपी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो अब ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या है, तो मैं बताती हूँ। यूआरपी का मतलब है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ठीक है, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का मतलब एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए वो अवधि कितनी है, शॉर्ट टर्म में ले लीजिए, 30 दिन की अवधि है, तो एक निश्चित अवधि के अंदर, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का मतलब है एक निश्चित अवधि के अंदर, एक निश्चित टाइम लिमिट के अंदर एक परिवार की क्या उपभोग रही है डे टू डे लाइफ की, उसको एक तरीके से स्टडी करके, रिसर्च करके, सामने वाले से पूछ करके रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, और वहाँ पर उसके आधार पर बता दिया जाता है कि ये उपभोग का ट्रेंड चल रहा है और इस हिसाब से इतनी इनइक्वालिटी या इतनी गरीबी है हमारे यहाँ। ठीक है, ये यूआरपी है। उसके बाद आया, इसको थोड़ा सा इवॉल्व किया गया, और फिर आया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमआरपी। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में जो यूआरपी था उसमें केवल फूड ग्रेन्स को शामिल किया जाता था, यानी कि भोजन में हम खाने में क्या ले रहे हैं उसको। जब मिक्स्ड आया, यानी कि एमआरपी आया, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जब आया, तो एमआरपी में क्या किया गया, फूड के साथ साथ आपकी और भी डे टू डे लाइफ में जो भी कंजप्शन है, आपके उपभोग की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया, और इसके आधार पर एक डाटा तैयार कर लिया जाता था कि ये कंजप्शन का हमारे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है। ठीक, उसके बाद और इसमें इवोल्यूशन किया गया, और फिर आया मोडिफाइड जो एमआरपी है, यानी कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमएमआरपी। और इसमें क्या किया गया, इसमें लगभग 365 दिन, यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो भी आपके फूड है, साथ के साथ में जो भी अदर आपकी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को शामिल करके आपको यहाँ पर डाटा दे दिया गया, और इसके आधार पर बता दिया गया कि हाँ, गरीबी का ये ट्रेंड, ये इनइक्वालिटी वाला चीज़ें जो है इंडिया में चल रही है। ठीक है, तो ये तीन जो टूल्स हैं जिसके आधार पर हमारे यहाँ गरीबी को कैलकुलेट किया जाता है, तो इनके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं, इनके जो आंकड़ों के कलेक्शन हैं उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं। साथ के साथ में ये बात की गई है कि डिफरेंट कमिटीज़ ने हमारे यहाँ पे हम अपने अनुशंसाएं दी थी और बोला था कि इतना परसेंट अगर रेशियो चल रहा है गरीबी का, तो उसको माना जाएगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इस तरीके से चीज़ें आई थी। जैसे कि टेंडुलकर कमेटी आई थी, टेंडुलकर कमेटी ने क्या बोला था, 1993-94 से लेकर के 2004-05 में जब टेंडुलकर कमेटी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि एमआरपी के आधार पर जो होना चाहिए, इस तरीके से गरीबी को और आपके कंजप्शन को आपको क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, और आपको वहाँ पर से डाटा निकाल के आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मेथड्स में एमआरपी को एस्टिमेट करके तब गरीबी क्या है उसका आकलन आपको आकलन करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो करंट रेट वहाँ पर चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। फिर 2009-10 से 11-12 के अंदर उन्होंने बताया कि इस तरीके से चीज़ें जब चल रही हैं तो क्या है दिक्कत, मतलब कि उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है और जो है शहरी क्षेत्रों में वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद में फिर रंगराजन कमेटी ने भी अपने कुछ कुछ इस तरीके से अनुशंसाएं दी थी। साथ के साथ में एक लकड़वाला कमेटी आई थी जो कि अर्बन जो आपकी पॉवर्टी है उसके बारे में बात करता था, तो उन्होंने भी अलग अलग अपनी अनुशंसाएं दी थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इस वजह से जो अभी जो डाटा है और साथ के साथ में जो एक्चुअल जो चीज़ है, स्थिति है, उसमें मिसमैच आपको देखने को मिलता है, तो इसके बारे में ये जो पूरा एडिटोरियल है वो बात करता है।
अब चलते हैं हम अपने अगले एडिटोरियल की तरफ, जो कि बात करता है इंडियन पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन के बारे में। अभी एक रिपोर्ट आई है लेंसेट के द्वारा, तो लेंसेट ने अपनी एक स्टडी की है, साथ के साथ में लेंसेट के साथ में IHME जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्यूएशन, इन्होंने IHME और लेंसेट ने मिलकर के एक डाटा निकाला है और उसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बाय 21st सेंचुरी डिक्लाइन होकर के कहाँ पर आ जाएगी, 1.09 मिलियन पे आ जाएगी। मतलब बहुत तेज गिरावट देखी जाएगी इंडियन पॉपुलेशन में, ये बात की है इन्होंने। अब इनके प्रोजेक्शन के ऊपर में सवाल उठाया गया है इस एडिटोरियल के माध्यम से। क्या बोला गया है, पहली बात तो ये बोला गया है कि इन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो 1.09 बिलियन हो जाने वाली है, जो कि अभी फ़िलहाल 1.35 बिलियन के अराउंड चल रही है, वो क्या होने वाली है आपकी 1.09 बिलियन हो जाएगी। कब? आप जब देखेंगे पूरा ये जो 21st सेंचुरी ख़त्म होगा तब। लेकिन इन्होंने बोला है कि 2050 तक, अभी धीरे धीरे चीज़ें होंगी थोड़ी बड़ी, थोड़ा मतलब ऐसा होगा कि पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी, जो यंग पॉपुलेशन है वो अभी और बढ़ेगी 2050 तक, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अब इनके जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर सवाल इसलिए उठाया गया है एडिटोरियल के द्वारा, ये बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट है वो इंडिया के बारे में सही प्रोजेक्शन नहीं देता है, सही प्रिडिक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, क्या बोला है कि 2100 सेंचुरी कंप्लीट होगी उसके बाद जो है इंडिया की पॉपुलेशन क्या रहने वाली है, 1.49 बिलियन रहने वाली है। मतलब कि ये जो सेंचुरी खत्म होते होते इंडिया ही होगा सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे डिक्लाइन होंगी। और जितने भी बाकी अभी कंट्रीज दिख रही हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, इनकी पॉपुलेशन में तीव्र गिरावट देखी जाएगी, ये जो है यूनाइटेड नेशन ने बोला है। बट इनकी रिपोर्ट से जस्ट अलग, इनका जो प्रोजेक्शन है जो कि लेंसेट की रिपोर्ट है वो बहुत ही कम है। दूसरी बात इसमें ये बोली गई है कि जो इन्होंने पूरा बात रखा है 2050 तक, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और जो लेंसेट है वो बोल रहे हैं 2048 तक। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के ही डाटा को उठा करके कॉपी कर दिया है और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ये डाटा तैयार कर दिया है। मतलब कि बहुत सही जो है एक्यूरेट जो चीज़ें इसमें निकल के नहीं आ रही है। साथ के साथ में इन्होंने जो लेंसेट की रिपोर्ट है उसने इंडिया की फर्टिलिटी रेट के ऊपर भी एक तरीके से अपना डाटा जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो बाय 21st सेंचुरी, जब ये सेंचुरी ख़त्म होगी, तो इंडिया में फर्टिलिटी का जो रेट होगा वो 1.74% पे आकर के टिक जाएगा। मतलब कि क्या होगा फर्टिलिटी रेट का, क्या मतलब होता है कि जितने पेरेंट्स हैं, अगर माता पिता है तो वो अपना रिप्लेसमेंट यानी कि दो बच्चे अगर लेकर के आ जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि एक सही फर्टिलिटी रेट है। इट मीन्स कि दो व्यक्ति की डेथ होगी तो दो व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे, मतलब कि एक बैलेंस बना रहेगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर चला जाता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब कि अपने पूरे जीवन काल में एक महिला कितने संतानों को उत्पन्न करती है, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने बात बोली है कि इंडिया में जो ये रेशियो है वो 1.74% हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ के जो आंकड़े हैं वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर भी कुछ कुछ कमियाँ हैं। साथ के साथ में इन्होंने रेफरेंस किस चीज़ का दिया है, हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो स्कीम्स बनी हुई हैं उन सारी चीज़ों का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो पॉपुलेशन का डिक्लाइन होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं, इसको लेकर के ये पूरा एडिटोरियल आया हुआ है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डाटा जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आपको कोट करना हो कभी अपनी आंसर राइटिंग में कि क्या चीज़ें किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आप यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वगैरह की जो भी प्रोजेक्शन है उसको डाल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके के मिसलीडिंग जो डाटा भी आते हैं जिसकी वजह से इंडिया की छवि एक तरीके से ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो कोई भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं वहां से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ सकती हैं, हमको वहां पर वो चीजें ढूंढनी होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है ये क्या बात कर रही है, इंडिया के बारे में बात कर रही है कि इंडिया का जो असेट क्वालिटी ऑफ इंडियन बैंक्स है, मतलब कि असेट क्वालिटी का मतलब क्या है कि एक इंडियन बैंक की जो पूंजी है वो अभी थोड़ी सी ख़राब स्थिति में जाती हुई दिख रही है, डेंजर की तरफ जाती हुई दिख रही है। क्या बात की गई है, बैंक्स अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स एट रिस्क, फिच ने बोला है। अंडर राइटिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड्स, मतलब कि कई ऐसी हमारे जो एक तरीके से असेट्स होती हैं जो कि खतरे में होती है और उसको बैंक अपनी जो शीट होती है उसको साफ सुथरे दिखाने के लिए छुपा करके रख देती है। ठीक है, वो क्यों करती है, क्योंकि कई बार हमने ऐसे व्यक्तियों को लोन दे दिया होता है जो पैसा वापस ही नहीं करते हैं, और जनरली नीरव मोदी, विजय माल्या,
इसी टाइप के लोग हैं, ये क्या करते हैं बहुत बड़े लेवल पे बैंक से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और उसके बाद में वो चीज़ें वापस नहीं करते और फिर बैंक जो है उसकी बैलेंस शीट ख़राब होती है क्योंकि बैंक डूबते हुए चला जाता है। और अगर बैलेंस शीट ख़राब होती है किसी बैंक की तो RBI उसके ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है, उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बैंक्स क्या करती हैं कि जो भी इनके स्ट्रेस्ड असेट्स होती हैं उनको वो अंडरराइटिंग में डाल देती हैं, अपनी बैलेंस शीट को सुधार लेती हैं। तो इसकी वजह से जो है वो इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से एक टाइम के बाद आकर के खतरा क्रिएट होने लगता है क्योंकि जो ऋण है वो वापस तो आने वाला नहीं है, बहुत कम चांसेस है, तो इस वजह से जो पूरा इकोनॉमी में बैलेंस है मनी का वो गड़बड़ा जाता है। तो इसको लेकर के अभी फिच जो है, फिच एक तरीके से रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बात बोली है कि इंडिया में जो है चीज़ें लोन को लेकर के डेंजर में जा रही हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तरीके से वॉर्न किया गया है। अभी बोला गया है कि बैंक लोन रोज 19% ऑफ 2 वीक्स, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप केवल अप्रैल की बात कर लीजिए तो बैंक लोन जो है इंडिया में वो 19% का राइज देखा गया है, मतलब 19% बढ़ गया है। RBI बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से क्या कर रहा है, अपने जो चीज़ें हैं उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी चीज़ें बढ़ रही हैं। फिच ने बोला है कि 2021 में 20% का ग्रोथ देखा गया था और एनुअली लगभग 20-30% का ग्रोथ इसी तरीके से देखा जा रहा है, मतलब एक टाइम के बाद जाकर के ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, इंडियन इकोनॉमी में इंबैलेंस ला सकती हैं। तो ये था आज का पूरा सेशन, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह थी उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।